Assalamu alaikum guys, hi everyone, I hope so everyone is fine here. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आज हम ये जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि 40 के राउंड बोर्ड MCQs बनाए हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के, जिस जो FPSC PPSC NTS GATE NET और दूसरे जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की जो डोमेन्स हैं वो कितनी है, कितनी इसकी टाइप्स हैं। तो इसकी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव है, सेकेंड वन इज अफेक्टिव है, थर्ड इज अ साइकोमोटर। नेक्स्ट MCQs है कि ये जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है ये किसने प्रेजेंट की थी। तो ये बेंजामिन ब्लूम नामी का एक स्टूडेंट था, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था। तो 1956 के अंदर इसने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की थी। क्या था वो, कौन सी डोमेन है, वो कौन सी डोमेन है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, जिसके अंदर हम एटीट्यूड्स को डिस्कस करते हैं, वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये है अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है, विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल एंड द मोटर स्किल्स। तो फिजिकल और मोटर स्किल्स की जब भी बात की जाएगी तो इसमें साइकोमोटर्स आएगा, साइकोमोटर डोमेन है आपके पास। अब हम जो MCQs डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होंगे। अभी हमने तीन डोमेन है उनको देख लिया है कि सबसे पहले जो कॉग्निटिव डोमेन है तो वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स से रिलेटेड है। फिर अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड है इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वैल्यूज के साथ रिलेटेड है, एटीट्यूड्स के साथ रिलेटेड है। और जो साइकोमोटर है वो मेंटल और फिजिकल के साथ आपकी रिलेटेड है। नेक्स्ट MCQs कहता है कि द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाई, तो कहता है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट MCQs कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड। तो ये बेंजामिन एस ब्लूम नामी बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट MCQs आता है आपके पास, कहता है कि कॉग्निटिव डोमेन है, इसके अंदर कितने इसको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर 6 सब ग्रुप हैं। सबसे पहला आता है नॉलेज आता है, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन आता है, एप्लीकेशन आता है, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है, एवेल्युएशन आता है। हम इनको भी यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट MCQs के अंदर। कहता है फोकस ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इज, कहता है कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट MCQs से कहता है कि एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की इन द कॉग्निटिव डोमेन, कहता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो इवैल्यूएशन का होता है। इवैल्यूएशन का ये होता है कि बंदे ने कोई चीज़, कितनी चीज़ सीखी और उसको अपनी लाइफ के अंदर कितना इस्तेमाल किया। जिस तरह हम कहते हैं कि स्टूडेंट को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो क्या वो चीज़ उसकी रियल लाइफ के अंदर उसकी लाइफ का पार्ट बनी है या नहीं बनी, अगर बनी है तो उसको कितना उसका फ़ायदा होगा, कितना उसको नुकसान होगा। नेक्स्ट MCQs आपके पास कहता है कि स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू द सर्टन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कहता है वो कौन सी कैटेगरी है कॉग्निटिव डोमेन की जिसके अंदर हम क्या करते हैं लेबोरेटरी डिज़ाइन, लेबोरेटरी हम लेबोरेटरी डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्टन स्पेसिफिकेशन। कहता है आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दी होती है, आप उसके मुताबिक उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हो। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है। नॉलेज या नॉलेज के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो MCQs है इसके अंदर ये देखें, कहता है कि क्रिएट, सिंथेसिस को देखें जरा, कहता है कि क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे, इंप्रूव करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और प्रपोज करेंगे। तो ये सिंथेसिस से रिलेटेड है जिसके अंदर हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू द सर्टन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट MCQs कहता है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इज, जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निटिव डोमेन का वो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये देखें जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वो है वैल्यूएशन। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू आर द वर्थ ऑफ एनीथिंग इज इवैल्यूएशन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू आर वर्थ ऑफ एनीथिंग। तो ये वैल्यूएशन होता है जिससे हम किसी चीज़ की वर्थ को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है, MCQs नंबर 13 है,
कहता है लोएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन, कहता है जो सबसे बेसिक लेवल होता है ना, जो स्टूडेंट्स को हम सबसे बेसिक लेवल पे चीजों को लर्न करना सिखाते हैं वो नॉलेज होता है। नॉलेज लेवल, नॉलेज वाली स्टेज के ऊपर हम बच्चे को बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें सिखाते हैं ताकि बच्चा इजीली लर्न कर सके। कहता है हाईएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन इज, कहता है जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव के अंदर वो इवेल्युएशन है। कहता है कि राइट सीक्वेंस बताओ कि किस तरह से ये लेवल्स एक दूसरे के साथ तरतीब के साथ आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले नॉलेज होता है, नॉलेज के अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताते हैं बच्चे को। फिर कॉम्प्रीहेंशन होती है, हम नॉलेज के अंदर जो चीज़ें बताई होती हैं उनको हम ज़रा एक्सप्लेन करके बताते हैं बच्चे को। फिर एप्लीकेशन होती है, बच्चे ने जो चीज़ें सीखी होती है वो एप्लीकेशन के अंदर उस चीज़ को जब उसके सामने उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो एप्लीकेशन के अंदर वो उन चीज़ों को अप्लाई करता है। एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि एनालिसिस के अंदर बच्चा ये करता है कि एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेता है कि अच्छा अगर ऐसे होगा तो इस तरह से होगा, ऐसे होगा तो इस तरह से होगा। सिंथेसिस के अंदर बच्चा क्या करता है, डिजाइन करता है, चीज़ों को डिजाइन करता है, उन दो दो आइडियाज को मिला के एक नया आइडिया बनाता है। और इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि आप बच्चे ने उसको अपनी लाइफ के अंदर कितना इम्प्लीमेंट किया है, उसके बच्चे स्टूडेंट के लाइफ के अंदर उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा है। इवेल्युएशन के अंदर हम जानते हैं कि किसी चीज का किसी चीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है जो हमने बच्चों को सिखाया होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 है, कहता है नोइंग मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद, तो कहता है कि जब हम चीज़ों को जानते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, ये नॉलेज के अंदर होता है, ये सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को चीज़ों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, बिल्कुल आसान चीज़ें सिखाते हैं। जिस तरह हम बच्चे को अगर मैथ सिखाते हैं तो हम कहते हैं उसको कि 2 + 2 कितना होगा, तो वो कहता बच्चा कहता 4 होगा। हम कहते हैं कि 5 + 3 कितना होगा, तो वो कहता 8। तो हम ये बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 17 है, कहता है टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। कहता है कि जिस तरह हमने पिछले लेवल के अंदर डिस्कस किया कि बच्चे को बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाएंगे, तो इस लेवल के ऊपर हम ये करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है जिसके ऊपर हम बच्चे को जो चीजें सिखाई होती हैं, जो मटेरियल हमने बच्चों को सिखाया होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ, उसके हर एस्पेक्ट को हर पहलू को देखते हैं ताकि बच्चा उसके अंदर क्या कर सके, लर्निंग कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 है, कहता है टू यूज द प्रीवियस लर्न्ड मटेरियल इन द न्यू सिचुएशन। कहता है कि हमने जो पुराना इलम नॉलेज के अंदर सीखा है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सीखा है, जो चीज़ें हमने बेसिक सीखी हैं किसी चीज़ की, जिस तरह हमने प्लस माइनस करना सीखा है, तो जब बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आती है प्लस माइनस करने वाली मैथमेटिक्स के अंदर, तो बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें उसने सीखी होती है उन चीज़ों को उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या करता है, अप्लाई करता है। तो ये स्टेज होती है, एप्लीकेशन होती है, ये थर्ड स्टेज होती है। कहते हैं नेक्स्ट है टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू द कंपोनेंट पार्ट, नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहता है कि ये फोर्थ लेवल होता है, फोर्थ लेवल है एनालिसिस का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं मटेरियल को जो हमने सीखा होता है, हम उसे क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी बेसिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि अच्छा अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 4 + 4 = 8 होगा, या 5 + 5 = 10 होगा। तो इस तरह की चीजें वो क्या करता है, बच्चा खुद से बिल्ड करता है, उससे कुछ आइडियाज उसके अंदर जेन में कुछ बेसिक आइडियाज बनने शुरू हो जाते हैं उसके जेन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 20, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज। कहता है कि जो उसने पुराने आइडियाज एनालिसिस के अंदर जनरेट किए, जो उसने सारा कुछ अभी नॉलेज के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर सीखा है, एनालिसिस के अंदर जो उसने चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, वो क्या करता है कि वो दो डिफरेंट आइडियाज को लेता है, उन आइडियाज को मिला के कोई नया आइडिया बनाने की कोशिश करता है, उन चीजों को रिलेट करता है अपनी लाइफ के अंदर। कहता है टू नो द वर्थ और द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज, इवेल्युएशन होता है, हम इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है जो हमने उसको सिखाया है। कहता है कि द इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाई, तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाएगा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, हमने अभी कॉग्निटिव डोमेन को सारा डिस्कस कर लिया है, अभी आपके पास आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन किस चीज से रिलेटेड होती है, कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अफेक्टिव डोमेन जो होती है इसके अंदर आप किसी पर्सन के, किसी स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स को डिस्कस करते हो, वैल्यूज को डिस्कस करते हो, उसके इंटरेस्ट को डिस्कस करते हो, तो ये अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 24 कहता है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन इज। कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है अफेक्टिव डोमेन का, इसके अंदर हम स्टूडेंट की वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, उसकी ऑनेस्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 25 कहता है द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, तो ये एस ब्लूम ने और
करैथरोल था जिसने इनको क्लासिफाई किया। कहता है इफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू, तो इफेक्टिव डोमेन के पांच ग्रुप हैं। सबसे पहले है रिसीविंग है, ठीक है, फिर रिस्पोंडिंग है, फिर वैल्यूइंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर करैक्टराइजिंग है। तो ये पांच स्टेप्स हैं अफेक्टिव डोमेन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपके पास, एमसीक्यू नंबर 27। द लोएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इज द इन अफेक्टिव डोमेन इज, जो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो है अटेंडिंग, वो है आपके पास रिसीविंग। आप किस तरह से किसी के जो एटीट्यूड है उसको किस तरह से आप अटेंड करते हो, किस तरह से उसको रिसीव करते हो, किस तरह से उसको परसीव करते हो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। कहता है नेक्स्ट एमसीक्यूज है 28, विच इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन। तो करैक्टराइजेशन होता है, करैक्टराइजेशन ये होता है कि आप किसी स्टूडेंट ने किसी जो चीज सीखी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो उसने अपनी लाइफ के अंदर उसको कितना प्रैक्टिकली यूज किया, कितना वो प्रैक्टिकली उसको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उसने शामिल किया उसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 29 है, राइट ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप सबसे पहले अटेंड करते हो कि किसी ने कोई आपसे किस तरह से मिला, या कोई किसी ने किसी पर्सनैलिटी ने किस तरह से आपके साथ बात की, ये आप अटेंड करते हो, रिसीव करते हो, फिर आप उसको बदले में रिस्पोंड करते हो, फिर आप उसको बदले में क्या करते हो, रिस्पोंड करते हो, फिर आप वैल्यूइंग करते हो, फिर आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, देन उनको करैक्टराइज करते हो, करैक्टराइज मीन अपनी लाइफ के अंदर उसको शामिल करते हो। एमसीक्यू नंबर 30 है, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमेना इज, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमेना। कहता है कोई फिनोमेना आपकी लाइफ के अंदर रखकर होता है, आप उसको किस तरह से अटेंड करते हो, किस तरह से उसको रिसीव करते हो अपनी लाइफ के अंदर। Which subgroup of the affective domain focus on active participation in? कहता है कि आपके पास से कोई phenomena occur हुआ है, आपने उसको किस तरह से receive किया है, अब बदले में आप उसको किस तरह से respond कर रहे हो, आप उसको किस तरह से deal कर रहे हो। Next MCQs, MCQs number 32 है, कहता है कि bringing together different values into a consistent value system. ये organization होता है, कहता है कि आप क्या करते हो, bringing to different values, आपके पास दो different तरह की values आई हैं, एक आपके पास अच्छी value है, एक आपके पास बुरी value है, या हो सकता है कि दोनों अच्छी values आई हैं, तो आपने उसको क्या किया है, आपने उसको consistent value system के अंदर उसको आपने क्या किया, लिया है, और फिर आपने देखा है कि इसका result क्या निकलता है, तो ये होता है organization होती है। Next MCQs है, MCQs number 33, कहता है effective domain focus on the adoption of the value system as a part of the life system। तो ये होता है characterization, कहता है कि जो आपने focus किया है adoption of the value, कहता है कि जिस तरह की value आपके सामने आई, जिस तरह का attitude आपके सामने लोगों ने बर्ताव किया, या जिस तरह का attitude आपने अपने teacher का देखा, तो वही जो आप क्या करते हो अपनी life के अंदर, उसको क्या करते हो, अपनी life का part बना लेते हो, अपना lifestyle बना लेते हो, तो इसको बोलते हैं characterization। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर डोमेन है, ये लास्ट डोमेन है आपके पास जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की है। कहता है कि विच डोमेन इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल एंड द मोटर स्किल, तो फिजिकल और मोटर स्किल के साथ जो डोमेन रिलेटेड है वो है साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 35 है, कहता है कि ये जो साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय द सिम्पसन, तो सिम्पसन तो ये 1972 के अंदर क्लासिफाई की गई, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं, सॉरी हाँ 5 स्टेप है इसके अंदर। इमिटेशन क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, प्रिसीजन क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, नेचुरलाइजेशन क्या है, तो ये 5 स्टेप्स है इसके अंदर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन 7 ग्रुप। तो ये जो पहले वो 5 ग्रुप, मेरे ख्याल से पहले ये 5 ग्रुप 7 ग्रुप वाली आई है, फिर 5 ग्रुप वाली आई है, तो ये जो 7 ग्रुप्स हैं इसके अंदर परसेप्शन क्या है किसी चीज के बारे में आपकी, सेट क्या है, गाइडेड रिस्पांस क्या है, मैकेनिज्म क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस क्या है, अडॉप्शन क्या है आपके पास, ओरिजिनेशन क्या है, तो ये 7 के अंदर सिम्पसन ने डिवाइड किया था इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिहेवियरल ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व एंड मेजरेबल। कहता है कि आपके पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिहेवियरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो और उनको मेजर करते हो। The right sequence of the subgroup of the psychomotor domain. कहता है perception है, set, guided response है, mechanism है, complex, overt response है, adoption है, organization है। आज के हमारे जो MCQs थे वो यही MCQs थे जो
जो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैडागोगी से रिलेटेड है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, मतलब बच्चों को किस तरह से टीच करना है। अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं अपनी जीमेल अकाउंट कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून विद मी।